अभी एक स्टूडेंट अभी लवण्या नहीं आई है, बाकी सब लोग आ गए। ठीक है, हाँ आवाज आ रही सब लोगों यस सर। सर तो स्टार्ट करें अगला क्वेश्चन। हाँ बच्चों, तो क्या अगला क्वेश्चन पढ़ो। द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 cm एंड हाइट 10 cm इज इक्वल टू। देखो बच्चों क्या है, एक सिलेंडर का दिया हुआ है आपको, रेडियस दिया हुआ है 2.0 cm दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है आपको 10.0 cm दिया हुआ है। बच्चों सिलेंडर का आपका सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? 2 पाई आर स्क्वायर s इक्वल टू आपका होता है 2 पाई आर एच। पक्का? r plus h। ठीक है, बट सर इसमें तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ही देखना है ना बस। ना ना बच्चे देखो नहीं, किस, आप नहीं, नहीं पूरा ही सरफेस एरिया है। कोई बात नहीं, आप देखो कोई भी चीज नहीं आती है तो उसमें समस्या नहीं है, लेकिन जब मौका मिले उसको सीखते चलो। ये आपका सिलेंडर हो गया, ठीक है, और जो नीचे का एरिया हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, वो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यस सर। और बाकी पूरे का अगर आप वॉल्यूम निकाल लोगे तो आपका मिल जाएगा 2 पाई आर एस मिल जाएगा, क्योंकि जो इसकी लेंथ बनाओगे, इसको ओपन करोगे जब आप, तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा जिसकी ये लेंथ 2 पाई आर हो जाएगी और इसकी ये लेंथ एच हो जाएगी, तो इसका जो एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एच हो जाएगा। ये जो पोर्शन है सर, ये तो मेरे को पता था, मेरे स्कूल के टीचर ने बोला था 2 पाई आर एच हो जाएगा। अब बाकी जो आपका स्फेरिकल एरिया मतलब वो सर्कुलर एरिया है उसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो 2 स्फेरिकल एरिया है दोनों मिला के पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई, ठीक है, आर स्क्वायर एच। तो वहां से कॉमन ले लोगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और 2 पाई आर एच आपका ये हो जाएगा। इसमें फार्मूला सर मेरे को इसको डिराइव करना तो आता है, पर मेरी टीचर ने बोला था इसलिए मैंने आपसे पूछा। अच्छा, तो कोई बात नहीं, नहीं आता तो उसको हमने दोबारा देखने में कोई नुकसान नहीं ना। द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, देखो सॉलिड सिलेंडर आप रेडियस आर, आप सिलेंडर अपने हाथ में कोई बोतल हो तो आप देख सकते हो कि आप उसका नीचे का हिस्सा भी एरिया में आएगा और ऊपर का हिस्सा भी एरिया में आएगा। ये जो ऊपर का हिस्सा ये भी एरिया हुआ और ये भी एरिया हुआ और ये पूरा एरिया हुआ, ठीक है। अब तो डाउट नहीं किसी को इसमें? नहीं सर। ओके, तो आप चलो उसको निकाल के बताओ फटाफट कितना आएगा इसका आंसर। चलो कोई नहीं, मैं निकाल दूं। सर 1.5 × 10⁴। ठीक है, अच्छा देखो ये सर मैंने किया हुआ है। 5.4 है। ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसको करके देखता हूँ पता चलेगा कितना आंसर है, या तो सब लोग बोलो कि हमारा आ गया है तो मैं छोड़ दूंगा कि 2 पाई 2.14। आर कितना दिया हुआ आपका 2 सेंटीमीटर दिया हुआ, हाइट कितना दिया हुआ आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आंसर आपको किसमें बताना है बच्चों? देखो ध्यान रखो, आंसर आपको एमएम में बताना है, तो जब एमएम में आंसर बताना है तो सारी चीजों को आप इसको एमएम में कन्वर्ट कर लो, तो 2 आपका 20 हो जाएगा। सर इसमें पाई की वैल्यू 3.14 नहीं दे रखी। कोई बात नहीं, आप 22/7 यूज कर लो, क्या प्रॉब्लम है, बात देखी हुई ना, या पाई में आंसर देना है तो पाई में तो आंसर नहीं देना चाहिए ना। नहीं सर। ठीक है, ये आपका 20 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये आपका 10 mm कितना हो जाएगा, ये 100 mm हो जाएगा। ये कन्वर्जन में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ? 2 सेंटीमीटर 20 mm कैसे हुआ? नो सर। नो सर। गुड गुड, तो अब इसको वैल्यू पुट अप करो यहाँ पे इनटू आर था, तो 20 इन ब्रैकेट 20 प्लस 100, ठीक है, अब तक किसी को डाउट नहीं है कोई? तो देखो जो डाउट नहीं है तो इसका आंसर भी आ जाएगा, ये 120 हो जाएगा। S इक्वल टू ये आपका 20 × 20 40 हो जाएगा, 3.14 × 120 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, yes, तो सिंप्लीफाई कर लो इसको, इससे मल्टीप्लाई करके 48 हो जाएगा, 00 हो जाएगा,
3.14 है, इसको और सिंपलीफाई कर लो तो एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, तो कैलकुलेशन आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे सिंपलीफाई करके करें हम। तो अब ये हो गया, तो इसको सिंपली हम लिख सकते हैं 48 × 3.14 × 100। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर मैं होता तो मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करता यहाँ पे, ठीक है। मैं अगर एग्जाम में बैठा होता तो मैं क्या करता, आप मल्टीप्लाई करोगे लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं क्या करता हूँ इसको, मैं इसी नंबर को ऐसे लिखूंगा क्योंकि मुझे आंसर के क्लोज जाना है। 48 को हमने 49 कर लिया और इसको 22 कर लिया, इसको 100 कर लिया, कहीं कोई इशू है नहीं, ये 7 आ जाएगा, 14 1 15 154 00 लगा दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब देखो आ गया थोड़ा सा ज्यादा हमारा 1500 आपकी वैल्यू आ गई, लेकिन आप अगर इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी बनेगी, 1507। सर आपकी आवाज बहुत, यस सर आपकी आवाज बहुत अजीब आ रही है कट कट के। हेलो, हाँ जी सर, ठीक है, हाँ जी ठीक है। तो हमने जो अभी अपना टेक्निक यूज के लगाने के लिए, ये बच्चों सिर्फ कंपटीशन के लिए है, अगर आप अपने, क्योंकि उनको तो एग्जैक्टली आंसर चाहिए, ये यहाँ पे एरर आ गई इसमें, तो आपका एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा अगर यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया है तो 15072 mm², ठीक है। इसको 10^4 में लिखना चाहो तो कैसे, क्या लिखोगे इसको, यहाँ पे पॉइंट लगा दो तो आपका 1.5 हो जाएगा, 10^4 हो जाएगा, क्लियर हो गया, mm² आपका आंसर हो जाएगा, तो 1.5 × 10^4। अब देखो अगर हमें दो ही डिजिट तक आपका वो आंसर रिपोर्ट करना है तो चाहे हम इस मेथड से लगाएं चाहे इस मेथड से लगाएं, दोनों का आंसर सेम ही आएगा ना। यस सर। तो एग्जाम में जब कंपटीशन में बैठते हैं तो कैलकुलेशन से बचने के लिए नंबर अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं अपने आप में, ठीक है, क्योंकि वहां पे हमेशा हमें ऑप्शन दिया होता है तो ऑप्शन हम चूज कर लेंगे। हम तभी फंसेंगे जब वो बहुत क्लोज ऑप्शन दे दे, जैसे 1.50 दे दे हमें, 1.54 दे दे, तब हम ये गलत हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपको 2 digit तक रिपोर्ट करना है तो ये मेथड परफेक्ट है आंसर पाने के लिए, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में किसी को प्रॉब्लम नहीं थी ना, अब नहीं सर। अगला क्वेश्चन पढ़े, यस सर, चलो पढ़ो। ए व्हीकल मूविंग विद स्पीड ऑफ 18 km/h कवर्स m इन 1 second, ठीक है। ए व्हीकल मूविंग, तो देखो स्पीड दिया हुआ है आपको, स्पीड इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 18 km/h स्पीड को अब आपको बताना है मीटर में, आंसर बताना है बच्चों आपको सर, 5 meters, ठीक है। किसका किसका निकल गया सर, मेरा सर, ये एक बार मेरे को समझा। हाँ बिल्कुल, सभी को समझाएंगे। अब देखो ये क्या है, केम पर आवर में दिया है, मीटर और पर सेकंड में आंसर निकालना है आपको, क्या निकालना है, मीटर पर सेकंड जो स्पीड होती है, ये एक घंटे में 18 km चल रहा है, आपसे पूछ रहा है मीटर इन 1 second, यानी मीटर पर सेकंड में स्पीड निकाल लो तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो 18 km है, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, 5/18 से मल्टीप्लाई, 1000 से मल्टीप्लाई, वो बेटा फार्मूला है इसको सॉल्व करने के बाद आता है, हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। 1000 m/km से मल्टीप्लाई करेंगे km को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। इसी तरीके से यहाँ पे एक आवर था, आवर को सेकंड में मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 × 60 3600 सेकंड/h से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों। 1 kilometer में 1000 meters होता है और 1 ghante में 3600 seconds होते हैं, यहाँ से HH कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से KM कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1000 meters/3600 seconds। इसको और सिंपलीफाई कर लो तो 10 यहाँ से काटो, 1 यहाँ से काट दो, 1 यहाँ का कटेगा, 1 यहाँ कटेगा, 10/36 हो जाएगा, इसको ऊपर लिख लें। तो S इक्वल टू दिया था 18 km/h जो कि रिड्यूस होकर के आ चुका है 18 × 10/36, ठीक है, मीटर पर सेकंड, ये आ चुका है पीछे से ना। अब देखो सिंपली इसको आप क्या लिख सकते हो, 5/18 या 10/36, जिसमें आपको सिंपलिसिटी लगे तो कर लो उसी को, ठीक है। हमको इसी में सिंपलिसिटी लग रही है तो यहीं पे कर लो, आपको ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा,
ये सिंपली हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। सबका आंसर आ गया या कोई बच्चा जिसका ना आया हो? सर आ गया। आ गया सर। दिया? आ गया सर। ओके हर्ष बेटा? यस सर आ गया। ओके बस समझ में आ रहा है, देखो स्टेप बाय स्टेप करो। कोई भी कैलकुलेशन फिजिक्स की हो, मैथ की हो, केमिस्ट्री को बहुत इजी है, लेकिन अगर आप उसको बिना सोचे करोगे तो हो सकता है मिस्टेक हो जाए, ठीक है। और इसको 5/18 अगर आपको याद हो, ठीक है, नहीं याद है तो आपको ये चीज आना चाहिए कैलकुलेट करना कैसे कन्वर्ट हो रहा है, यूनिट कन्वर्जन मस्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है? द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3, इट्स डेंसिटी इज ग्राम पर सीएम क्यूब और ग्राम पर मीटर क्यूब में निकालना है आपको, तो कैसे निकालोगे? कोई बच्चा अपने में से कर सकता है? देखो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है, डिफिनेशन जान लो, रिलेटिव डेंसिटी का मीनिंग होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो देखो बच्चों डेंसिटी बाय डेंसिटी है तो रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होगा। अब हमको पता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है, DH2O कितना होता है बच्चों, 1 ग्राम पर cm³ होता है। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हम सबसे पहले लेड की रिलेटिव डेंसिटी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हमें दिया हुआ है लेड की रिलेटिव डेंसिटी 11.3 दिया हुआ है, R D रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है 11.3 और रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लेड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर होगा। ये 11.3 दिया हुआ है इक्वल टू, ये निकालना है DPV अपॉन D वाटर। हमने देखा है कि 1 ग्राम पर cm³ होता है, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो DPV कितना आ जाएगा, 11.3 ग्राम पर cm³, ठीक है, 11.3 ग्राम पर cm³ निकल गया है। अब आपको आंसर किसमें रिप्रेजेंट करना है, दो यूनिट में पूछा गया था हमसे, ग्राम पर सीएम क्यूब और किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। तो अब ये आपका ग्राम पर सीएम क्यूब में निकल गया तो इसको आप किलोग्राम में कन्वर्ट करो फटाफट, डीपीबी इक्वल टू 11.3 ग्राम पर cm³ दिया है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 11.3 ब्रैकेट बनाओ, ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये ग्राम आपका केजी में कन्वर्ट हो जाएगा और सीएम क्यूब को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1/100³ से क्या होगा, लिखी लो नहीं तो भूल जाओगे, फिर बोलोगे कहां से आ गया, डीपीवी इक्वल टू 11.3 ग्राम पर cm³ है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 11.3 ग्राम को कन्वर्ट करने जा रहे हैं 1/1000 किलोग्राम इंटू 1/ था सीएम क्यूब, था सीएम क्यूब को लिखेंगे 1/100 मीटर क्यूब। ये कुछ ये बात समझ में आ गई सबको ना, ये हो जाएगा 11.3 1/10³ लिख सकते हैं इसको ना, केजी इंटू मीटर क्यूब, मीटर क्यूब ये बच्चों ऊपर चला जाएगा ऐसे, और इसको 10^2 लिख सकते हैं तो 10^6 ऊपर चला जाएगा, 10^6 मीटर क्यूब नीचे आ जाएगा, 10^3 और 10^6 में 3 कट जाएगा यहाँ पे तो सिर्फ 3 बचेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा डीपीबी इक्वल टू 11.3 इंटू 10^3 किलोग्राम पर मीटर। सबका आंसर आ गया ये? यस सर। यस सर। किसी को डाउट तो नहीं आई? गुड। अगला क्वेश्चन पढ़े? सर मेरा क्वेश्चन था। हाँ बोलो बेटा।
सर जैसे 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था, तो ये तो ग्राम जैसे 1000 ग्राम एक केजी बनाता है, तो हम बिना कन्वर्जन करे ही 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देते, तो वो ग्राम में ही रहता और वो अल्टीमेटली केजी में ही बन जाता है ना फिर। ना बेटा, तो आपका सेंटीमीटर को तो मीटर में कन्वर्ट करना है आपको। हाँ हाँ, तो इसलिए आपने इसको केजी में कन्वर्ट, हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, हमने जो आपका यहाँ सॉल्व करके आया फैक्टर उससे किया। अगर आप डायरेक्ट कर दोगे यहाँ पे तो आप मीटर को इससे में कन्वर्ट नहीं करोगे ना। अच्छा, अगर सेंटीमीटर नहीं होता तो मैं ऐसे कर सकती हूँ। हाँ हाँ, नीचे सेंटीमीटर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो हेलो, एक्चुअली मैं, हमारा पेन खराब हो गया था तो उसको मैंने ऑर्डर किया था, वही फ्लिपकार्ट वाला आया हुआ तो मैं डिस्टर्ब हुआ थोड़ा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यस सर। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन आप लोग बताओ, पढ़ के कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? यस सर, कर सकते हैं, कर सकते हैं सर। तो इसका आंसर करके बताओ, क्वेश्चन नंबर 2.2A। सर 10^7। ठीक है, सबका आ गया। सबका आ गया? यस सर, आ गया सर। सर क्या आंसर है इसका एक बार बताना। जिसने सॉल्व कर लिया वो आंसर बता दो क्या है। 10^7। अच्छा ठीक है।
हेलो चो, हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? यस सर, थोड़ा सी डिस्टॉर्टेड आ रही है। अच्छा, आवाज में प्रॉब्लम आ रही है। बच्चों मुझे एक मिनट का समय और दे दो, वो जो डिलीवरी बॉय है थोड़ा रास्ता नहीं जान पा रहा, परेशान है। हेलो, यस सर, आवाज भी आ रही नहीं आ रही है? हेलो सर, ठीक से नहीं आ रही आपकी? नहीं आ रही, चाय करते हैं, उनसे करता हूँ। क्लास डिस्टर्ब हो रही साले, किसने कहा था? हेलो, हेलो सर, सॉरी बच्चों, पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं सामान देने, रास्ता भी नहीं ढूंढ पा रहा है वो। हाँ तो बच्चों, कहाँ पे नंबर कितने पे थे हम? क्वेश्चन नंबर 2.2। ए बन गया, बी बनाया आप लोगों ने? यस सर, बन रहा है अभी। तो आप लोग बी सी डी ये चार क्वेश्चन है, बनाओ इसमें से जो नहीं बनता हुआ बना के दिखाता हूँ आपको। ओके सर। बी वाले पार्ट में एल वाई क्या है? हाँ, बी वाले पार्ट में जो आपने पढ़ा हुआ है, जो आप पढ़ रहे थे वहां पे, कि सर ये लाइट ईयर है क्या शायद? हाँ हाँ, लाइट ईयर ही है एल वाई, आपका लाइट ईयर ही है। लाइट ईयर बच्चों आता है क्या होता है? यस सर, वन लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 ट्रेवल बाय लाइट इन वन ईयर। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। हाँ, तो स्पीड ऑफ लाइट सी इनटू वन ईयर, ये तो सेकंड में करना पड़ेगा ना? हाँ, ये सेकंड। हाँ, 10⁸ मीटर पर सेकंड, और ईयर है आपका, तो ईयर को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 365 डेज, एक दिन में आपके 24 आवर, उसमें 60 मिनट इनटू 60 सेकंड। तो सिंपल कैलकुलेशन है ये, आप कर लो। क्वेश्चन बनाने मजा आ रहा है बच्चों? अरे बेटा, समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी सर। हर्ष? यस सर। क्वेश्चन बन रहे हैं ना? क्या सर? क्वेश्चन लग रहे हैं ना? हाँ सर। गुड,
तो इसको कैलकुलेशन कर लेना, मैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी पार्ट क्या है? 3 meter per second square। ये तो सिंपल है, तो आप लोग कर सकते हो, तुरंत कर लोगे। करके दिखाओ जरा फटाफट। सी एंड डी दोनों कर, दोनों कर लो। सर 3.88 × 10⁻¹⁰ आ गया। वो आंसर में दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। जिनका आंसर नहीं आएगा वो पूछ लेंगे, उनको बना के मैं दिखाऊंगा। सर 6.67 × 10⁻¹⁸। ठीक है, सबका गया। सर आप थर्ड वाला एक बार करके दिखा दो। ओके, मेरा फोर्थ वाला आ गया। ठीक है, थर्ड वाला नहीं आया, थर्ड वाला करके मैं दिखा दूं एक बार। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने ट्राई नहीं किया। कोई बात नहीं, करके देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या था बच्चों, कन्वर्ट करना है आपको। देखो 1 m/s² को 1 km/h में कन्वर्ट करना है, तो 3.8 सर आपने अपने आपको म्यूट कर लिया। हाँ बच्चों, तो क्या कन्वर्ट करना था हमें, हमें कन्वर्ट करना है 3 m/s² को km/h में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखो कितना सिंपल है इसे कन्वर्ट करना। 3 m, मीटर को km में कन्वर्ट करना है, तो 1 m को 1 km में कन्वर्ट करना है, तो उसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1000 का मतलब 10⁻³ हो जाएगा ना। यस सर। तो मीटर आपका km में कन्वर्ट हो गया। नीचे है आपका second square, सेकेंड स्क्वायर का मतलब second × second, तो इसका मतलब हो गया 1/60। 1/60 से इसको भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 1 सेकंड में 1/60 मिनट होता है, तो 1/60 × 1/60, अब ये आपका मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। हो गया ना, ठीक है। इसको ऊपर लेके लिख लो चल करके, तो ऊपर लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये आपका इक्वल टू हो जाएगा 3.0 × 1/10³ km हो गया, ये 60 ऊपर चला जाएगा, 1/1 है ना, तो 60 × 60 हो जाएगा, और यूनिट आपकी हो जाएगी km। नहीं नहीं, हमने कुछ गलत किया बच्चों, हमें तो km/h में कन्वर्ट करना था, हमने सेकंड में कर दिया उसको। दोबारा कर लेते हैं यहां से,
देखो बच्चों यहां तक सही था, ये हमें सेकंड में ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें कन्वर्ट किस में करना था, आवर में कन्वर्ट करना था। तो एक सेकंड में कितना आवर होगा बच्चों, तो हमें पता है कि 3600 सेकंड होते हैं, तो एक सेकंड में कितना हो जाएगा, 1/10 आवर हो जाएगा। तो दिस मच 1/3600। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, सेकंड का स्क्वायर है तो 1/3600/1/3600 ये आवर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है? यस सर। अब आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा आंसर आपका, ये हो जाएगा 3.0/1000 × 3600 km पर आवर स्क्वायर। 1, 2 जीरो कट जाएगा यहां से, तीसरा जीरो भी इससे कट जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 36 × 360 × 3 और आपका आंसर आ जाएगा। आ जाएगा ना? यस सर आ जाएगा। गुड। चौथा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या था, डी बन गया सबका? यस सर। गुड। तो क्वेश्चन नंबर 2.3 पे पहुंचते हैं हम। कोई पढ़े इस क्वेश्चन को, ए कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट आर एनर्जी एंड इट्स इक्वल अबाउट 4.2 जूल व्हेन 1J इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सपोज बी इंप्लाई अ सिस्टम ऑफ यूनिट इन व्हिच द यूनिट ऑफ मास इक्वल्स अल्फा केजी, द यूनिट ऑफ लेंथ इक्वल्स बीटा मीटर, द यूनिट ऑफ टाइम इज गामा सेकंड, सो दैट अ कैलोरी हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा पावर माइनस 2 गामा स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड। अभी टाइम खत्म होने वाला है तो आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है?